नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ इस समय रीवा के सबसे बड़े चौराहे, या यूं कहें सबसे व्यस्ततम चौराहे, कॉलेज चौराहे पर। आप देख रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय टीआरएस कॉलेज की बिल्डिंग नजर आ रही है। मैं इस बताऊं, इस कॉलेज में 15,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पर जिस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं, एक एक व्यक्ति की चेकिंग हो रही है, पूर्णतः निगरानी के बाद उनको यहाँ से आगे निकाला जा रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन आगे बढ़ाया गया, उसको लेकर यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश जी, मैं सीधे उन्हीं से बात करता हूँ। ये बताइए, जैसे लॉकडाउन बढ़ा दिया है आप लोगों ने, तो क्या कुछ किस तरीके से आपको पब्लिक का सामना करना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? देखिए, जैसे कि कोरोना केस बढ़े थे शुरू में, उसको देखकर लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अभी रीवा में केसेस कम हुए हैं तो हल्की 31 तारीख तक बढ़ा दिया गया। उसके साथ ही पब्लिक का निकलना आना जाना जारी है, उसको हम लगातार प्रयास जारी कि हम रोकें, घरों में रोकें, लोगों को भीड़ से बचाएं जिससे संक्रमण ना हो। तो इसी तातम में जगह जगह चेकिंग लगाई गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। ये जैसा कि यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है लोगों की आवाजाही हो रही, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद भी हालांकि संक्रमण काफ़ी कम दिखाई दे रहा, आपको ऐसा नहीं लगता कुछ और सख्ती की भी जरूरत है या फिलहाल पर्याप्त है मामला? बिल्कुल, सख्ती की जरूरत तो है, लेकिन इसके साथ लोगों को भी समझना पड़ेगा कि पुलिस का सहयोग करें, स्वयं से घर में रहें, भीड़ से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को, और सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित करें। पब्लिक को ये समझना होगा, पब्लिक को समझना होगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब वो खुद सुरक्षित रहेंगे तो संक्रमण की चैन अपने आप टूट जाएगी। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है, एक लड़की को लेकर वह वीडियो वायरल। मैं आपको बताऊं, ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, इसी जगह का वो वीडियो है। हमारे साथ उस चश्मदीद, उस लड़की को रोकने वाली आराधना सिंह भी मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला क्या जी, बताएं जरा। स्टाफ के साथ यहां पर ड्यूटी पे मौजूद थे, एक स्कूटी सवार जो दो लोग गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, वो बैठी हुई थी, सिर्फ चुनरी बांधे हुए थी और नाक के नीचे चुनरी थी। जब उनसे हमारे स्टाफ ने पूछा, एक महिला आरक्षक ने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने बताया मैं ड्यूटी पे जा रही हूँ। फिर उन्होंने कहा आप आई कार्ड आप दिखा दीजिए, तो इसी बात को लेके वो भड़क गई। और उसने जैसे कहा कि आप मास्क अच्छे से लगा लीजिए, कोरोना फैला हुआ, इसी में हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगी। इसी बीच वहाँ पर मैं पहुँची तो मैंने उनसे बोला कि आप बताएँ क्या प्रॉब्लम है, मुझसे आप बात करें। तो वो बात ना करते हुए अनावश्यक फ़ोन पे और उसके टांग वार्तालाप करने लगी। फिर उनको थाने ले जाया गया, बाद में उन्होंने माफ़ीनामा दिया और इस तरह मामला फिर माफ़ीनामा लेने के बाद इस प्रकरण में मामला शांत हो गया। जो वीडियो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद तय करिए, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है, उसके बावजूद इस तरीके का यहाँ पर का ड्रामा, इसको क्या सही कहा जा सकता है? गाड़ी में नंबर नहीं है, बदतमीजी कर रही है, कार्ड नहीं लगाई है, मान लो आप नौकरी करते हैं, मास्क नहीं है, चिल्ला रही है सबके ऊपर, अरे तो सिटी में हो, तुम्हारा तो यही घर कहाँ है? और बोलते जाओ, आप और बोलते जाओ, बोलते जाओ। हमारा सेंटर है, हमारे सेंटर में सब कुछ रखा रहता है। इससे चलो पहले कलेक्टर के यहाँ चलो, और सीएमओ के यहाँ चलो, हमारी गाड़ी भी चाबी ले लो, डालो तुम लोग, और क्यों हो रहा है?
बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो, बनाओ बनाओ वीडियो तो अपने से सारी दुनिया में चालान काटो जेब भरने के लिए, है ना? इसका चालान काटो, उसका चालान काटो, जेब में डालो पैसे, है ना? काटो चालान, इधर गाड़ी में डालो जेब में पैसा, थाने में ले चलो, थाने ले चलोगी, ले चलो थाने, वो गाड़ी वो बाबा, अरे उनको बुलाना पड़ेगा।